हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड नर्ड। आज की लिस्ट में कवर करने वाले नेटफ्लिक्स के 10 माइंड ब्लोइंग मूवीज और सीरीज को। लिस्ट की कुछ मूवीज और सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है और सबसे बढ़िया बात है कि ये सभी सीरीज और मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, नहीं तो आप कोई बढ़िया सीरीज या मूवीज को मिस कर दोगे। अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे 10th मूवी है नॉर्वे 2022 के एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा मूवी है। मूवी की स्टोरी सेट होता है 1940 की वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जहां पर हिटलर के विशाल जर्मन सोल्जर और नॉर्वे के 200 सोल्जर के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध के बाद हिटलर को बहुत जोर का सदमा लगता है। मूवी बहुत ही कमाल का है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग्स मिला है और आप इस मूवी को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 9 पे है कैलेडोस्कोप। ये सीरीज आई थी 2023 को और एक क्राइम थ्रिलर बेस्ड सीरीज है। कहानी में हमें देखने मिलता है कुछ शातिर चोरों को, जो की एक टीम बनाते हैं ताकि ये लोग दुनिया का सबसे बड़ी चोरी को कर सके, जिसका ओवर $7 बिलियन की है। और ये $7 बिलियन कोई मामूली तिजोरी में नहीं होता है, बल्कि एक बहुत ही सिक्योर तिजोरी में होता है, जहाँ से चोरी करना नामुमकिन होता है। आखिर ये लोग कैसे चोरी करते हैं, वो सब आप सीरीज में ही देखे। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग्स मिला है और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 8 पे द साइलेंट सी, जो कि आई थी 2021 को और साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर बेस्ड सीरीज है। कहानी में आपको देखने मिलता अर्थ की, जहां पर पृथ्वी के सभी पानी यानी कि वाटर सोर्स खत्म हो जाता है और पृथ्वी से एक टीम को मून पर भेजा जाता है ताकि वहां से कुछ सैंपल को कलेक्ट कर सके और अपने रिसर्च को कंप्लीट कर सके। लेकिन वहां पर कोई मिस्टीरियस इवेंट होने लगता है। आखिर क्या है मिस्ट्री, जानने के लिए आप इस सीरीज को देखें। यह सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 की रेटिंग्स मिला है और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 7 पे द पेल ब्लू आई। ये 2023 की एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी में आपको लीड में क्रिस्टियन बेल को देखने मिलता है, जिन्हें एक मिलिट्री एकेडमी में बुला लिया जाता है, जब वहां पर कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स हो रहे होते हैं। यहां पर लोग मर रहे होते हैं और लोगों का दिल गायब हो जाता है। आखिर इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करता है, जानने के लिए आप इस मूवी को देखें। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग्स मिला है और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 पे हेलबाउंड, जो कि आई थी 2021 को और एक फैंटेसी थ्रिलर सीरीज है। कहानी में दिखाया जाता है ऐसे लोगों को जिन्हें पहले से भविष्यवाणी मिल जाता है कि वो कब मरने वाले हैं, और मरने के टाइम पे हेल से यानी कि नरक से शैतान आ जाते हैं और इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कहानी में क्या आगे होता है, जानने के लिए आप इस सीरीज को देखें। शो थोड़ा स्लो है, पर इसका यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको देखना बनता है। इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग्स मिला है और आप इसे हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी अगली सीरीज है लॉकवुड एंड को। ये 2023 की एक एक्शन फैंटेसी सीरीज है। सीरीज की कहानी में देखने मिलता है दो लड़कों को, जो कि गोस्ट हंटर्स होते हैं, और दोनों एक गोस्ट हंटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं। और इस एजेंसी में एक लड़की शामिल होती है जिसका पास कुछ साइकिक एबिलिटी होती है, जिसका मदद से ये भूत प्रेतों को देख सकते हैं। बाकी की स्टोरी के लिए आप लोग इस सीरीज को देखें। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं हिंदी में। नंबर 4 पे जंगी। ये 2023 की एक साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर कहानी देखने मिलता है पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड की, जहां पर इंसान पृथ्वी को छोड़कर स्पेस पे कॉलोनीज बना के रह रहे होते और इन कॉलोनीज के बीच एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है। और इस सिविल वॉर को रोकने के लिए एक रिसर्चर अपने मदर के ब्रेन को लेकर क्लोनिंग करके एक AI रोबोटिक सोल्जर बना रहा होता है। आखिर ये AI सोल्जर इस सिविल वॉर को रोक पाता है या नहीं, वो आप इस मूवी पर ही देखें। ये बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग्स मिला है और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 3 पे द अम्ब्रेला एकेडमी। ये सीरीज आई थी 2019 को और बेस्ड है एक्शन एडवेंचर के ऊपर। सीरीज के अभी तक टोटल 3 सीजन आ चुका है। सीरीज में आपको देखने मिलता है एक ऐसा फैमिली जिनका पास सुपर पावर्स होती है, और हर एक फैमिली मेंबर के पास अलग अलग सी सुपर पावर्स है। और एक दिन इन्हें पता चलता है कि दुनिया 7 दिन में खत्म होने वाला है। आखिर ये दुनिया को कैसे बचाते हैं और इनका सुपर पावर्स क्या है, जानने के लिए आप इस सीरीज को देखें। सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सीरीज आपको आपके स्क्रीन के साथ जुड़े हुए रखेगी। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 7.9 की रेटिंग्स मिला है और आप इस सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 पे सैंडमैन, जो कि आई थी 2022 को और बेस्ड है हॉरर ड्रामा और फैंटेसी के ऊपर। ये पर्सनली मेरा फेवरेट सीरीज बन चुका है। सीरीज की कहानी में आपको देखने मिलता है सपनों का देवता सैंडमैन की, जो लोगों का सपनों की दुनिया को कंट्रोल करता है। लेकिन एक दिन एक जादूगर इसे कैद कर लेता है और इसका दिव्य शक्तियों से बने हुए चीजों को भी छीन लेता है। और जब 100 साल बाद ये किसी तरीका से मुक्त हो जाता है, तब तक इसका सपनों का दुनिया यानी कि इसका किंगडम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीरीज में देखना होता है आखिर ये कैसे अपने सपनों का दुनिया को फिर से बनाता है और किन किन चुनौतियों का सामना करता है।
सीरीज के स्ट्रॉन्ग ग्राफिक्स कंटेंट और एडल्ट सीन के वजह से आप लोग इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 7.7 की रेटिंग्स मिला है और आप लोग इसे हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फाइनली नंबर 1 पे है डैमर। ये सीरीज आई थी 2022 में जो कि एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। ये एक बायोग्राफी है एक फेमस सीरियल किलर की जिसका नाम जेफरी डैमर होता है और ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइको सीरियल किलर था जो लोगों को सिर्फ मारता नहीं था बल्कि उन्हें मारकर खा भी जाता था। इनका फुल स्टोरी को जानने के लिए आप लोग इस सीरीज को देखें। इस कमाल की सीरीज को आप लोग फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 7.9 की रेटिंग्स मिला है और आप इस सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।